आप बवासीर बना दिए हो, चूतिया समझे हो क्या? ये क्या है, ये क्या है, क्या बवासीर बना दिए है कंपनी वाले? आज खुले में वीडियो बना रहे, देख लो कि हम लोगों ने छोटा सा बैंगन का खेती किया है जिसमें 6 महीने का गुजारा चल जाएगा। आई होप आज बात करेंगे एक बवासीर के बारे में। तुम लोग बोल रहे हो कि 3PA 3116D2 इतना पावरफुल IC इतू से में लगा दिए हैं ससुर, ये सच्ची में चलेगा क्या? हम लोगों के पास पैसा नहीं है, ये प्राइस बहुत तो कम है। कभी कभी तो सेल में तो ये 200 में मिल जाता है, अभी नॉर्मल प्राइस 400 में, मतलब कि मान लो 100 वाट तुमको अगर 200 से लेके 400 में मिल जाए तो जुबान तो लपलपाएगा। आज मैं तुम लोगों को इस चीज़ का सच्चाई बताएगा। देखो भैया, इसमें जो लगा हुआ है ना माल अच्छा है, अगर IC ओरिजिनल भी हो ठीक है, अगर IC में मान लो ओरिजिनल भी है, हाँ ज़्यादातर में IC ओरिजिनल ही होते हैं, लेकिन भाई दिक्कत है कंपोनेंट्स की। तुम देख लो यार क्या कंपोनेंट्स लगा हुआ है, बस एसेंशियल जो फिल्टर्स चाहिए होंगे, कैपेसिटर्स, अरे कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब कि साउंड निकालने के लिए बस जो टाइनी कैपेसिटर्स SMT कैपेसिटर्स है वो लगा दिए, थोड़ा सा रजिस्टर्स वगैरह लगा दिए। मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है और बहुत घटिया है वो, तब मैं वीडियोस नहीं बनाता था वरना मैं रिकॉर्ड कर लेता। बहुत घटिया बजता है, मैंने रिटर्न कर दिया, बहुत घटिया बजता है। मतलब कि तुम मान लो 100 वाट तो हाँ, अरे 100 वाट में घंटा 100 वाट देता है, घंटा देता है, अरे चीज़ ही नहीं है। मैंने 24 वोल्ट घुसा के भी देख लिया लेकिन घंटा भी इसमें बहुत कम वोल्टेज देता है, मैक्स टू मैक्स 30 वाट के ऊपर जाता ही नहीं भाई। मतलब कि तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो ठीक है, मतलब पूरा ढांचा वाचा तैयार एकदम खतरनाक कर दिए हो, लेकिन बेस नहीं है तुम्हारे में तो थोड़ी ना तुम्हारा बिल्डिंग खड़ा रहेगा। एक भूकंप आएगा गांड के नीचे एकदम सपाट हो जाएगा, समझे, गिर के एकदम रोटी बन जाएगा ना, मेरा रोटी, समझे, तो नहीं होता। अरे मत खरीदो इसको यार, पैसा बर्बाद। थोड़ा सा पैसा लगा के अच्छा वाला बोर्ड खरीद लो, मजा आएगा। घंटा ये क्या बवासीर बना दिया कंपनी वाले, शर्म नहीं आती ऐसा बोर्ड बना के लोगों को चूतिया बना रहे, बताओ यार। हम सच्ची बोल रहे हैं, अगर 200 में मिल जाए तो ले लो, लेके तुम 30 वाट का एक बना लो, मज़ा आ जाएगा तुमको। हाँ, गलती से भी हीट सिंक मत लगाना, मत भूलना, अगर खरीद रहे हो तो हीट सिंक लगा लेना वरना जल जाएगा 2 सेकंड में। हाँ, और 400 में मैं इसको लेना रिकमेंड तो नहीं करता यार, 400 में बहुत अच्छे अच्छे बोर्ड्स हैं, उनके क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे हैं। ऑनेस्टली बताऊँ ये भी अच्छा बच सकता है, शायद प्राइस के हिसाब से अच्छा बच सकता है, लेकिन टिकेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला, ये एसेंशियल कंपोनेंट्स ही नहीं है, बस चलाने के लिए लगा दिए हैं। तुम्हें एक ठेला गाड़ी में 4 पहिया लगा दो और उसको बोल दो कार, तो ऐसा थोड़ी ना होएगा। प्रॉपर एक इंजन होना चाहिए, ढांचा होना चाहिए, तभी होएगा कार। आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ में आ गया आज का ओपन वीडियो कैसा लगा, बताना, और तुम लोगों को जानना था जो मैंने बता दिया। गुड बाय।